दोस्तों शोएब मलिक के भतीजे की बैटिंग देख कांप उठा पूरा क्रिकेट जगत। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान व खिलाड़ी रह चुके शोएब मलिक के भतीजे ने आज यहां पर बल्लेबाजी का वो मंजर दिखाया जिसे देख पूरा बांग्लादेशी खेमा सदमे में चला गया। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान टीम के उभरते स्टार खिलाड़ी मोहम्मद हुरैरा ने आज यहाँ पर अपनी बैटिंग का लोहा पूरी दुनिया में मनवा लिया। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम के स्क्वाड में शोएब मलिक के भतीजे मोहम्मद हुरैरा की एंट्री हुई है, जिन्होंने आज यहाँ पर खेले गए। पाकिस्तान बांग्लादेश दो दिनों के अभ्यास मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरे। पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही, जहां पर अब्दुल्ला सफीक 9 और कप्तान शान मसूद महज 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद हुरैरा, जिन्होंने मैदान पर आते ही बांग्लादेशी गेंदबाज साकिब अल हसन का स्वागत लगातार 3 छक्के जड़कर किया। इसके बाद उन्होंने बीच मैदान पर वो पारी खेल डाली जिसे देख पूरी दुनिया हैरान रह गई। दरअसल दोस्तों, मोहम्मद हुरैरा ने पहले दिन बल्लेबाजी करते हुए मैच 78 गेंदों पर 298 रन ठोककर रिटायर हट हो गए, जिसके बाद पाकिस्तान टीम ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 5 विकेट पर 405 रन बना लिए थे। दोस्तों वहीं इससे पहले मैच का पहला दिन मोहम्मद हुरैरा के नाम रहा, जिन्होंने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से पूरे बांग्लादेशी खेमे में सन्नाटा फैलाकर रख डाला। तो दोस्तों, क्या मोहम्मद हुरैरा को पाकिस्तान की 2020 टीम में जगह मिलनी चाहिए? आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से दें।